जंगल का राजा शेर कभी कभी दूसरे शिकारी जानवरों की भीड़ में फंसकर घायल हो जाता है, लेकिन इसका कतई ये मतलब निकाल लिया जाए कि शेर अपनी प्रकृति और अपनी प्रवृत्ति बदल देगा तो ये जंगल के शिकारियों की नासमझी और गलतफहमी ही मानी जाएगी। योगी आदित्यनाथ यूपी की सियासत के वही शेर हैं जो इस बार घायल हो गए हैं। कुछ रणनीतिक चूक और कुछ भीतरघात ने यूपी में योगी को जो नतीजे दिए वो हर किसी को इसीलिए चौंका रहे हैं क्योंकि चौका वहीं जाता है जहां उम्मीद होती है। योगी पीछे मुड़कर देखने वालों में नहीं है। नतीजों में नंबर की ये हार उन्होंने अपने जहन में कैद कर ली है और पूरी ताकत से वो अपनी अगली रणनीति के लिए जुट गए हैं। 4 जून को नतीजे आए और एक दिन बाद ही यानी 6 तारीख को योगी ने लखनऊ के 5 कालिदास मार्ग में 2 महीने से बंद जनता दर्शन के कार्यक्रम को शुरू कर दिया। उससे पहले उन्होंने सचिव स्तर के सभी अधिकारियों से मुलाकात की और उन्हें सख्त निर्देश भी दिए कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और आज 8 तारीख को योगी ने कैबिनेट मीटिंग बुलवाई। तकरीबन 1 घंटे तक योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों के साथ मीटिंग की और इस बात पर मंथन किया कि आखिर नतीजे उनकी उम्मीदों के मुताबिक क्यों नहीं आए। अपनी विधानसभा, अपना बूथ, अपना सारा सिस्टम ठीक रखने के लिए और विभागीय उपलब्धियां ठीक से जनता में जाएं, हर विभाग ठीक से अपना काम करे, इस संबंध में बताने का काम। आज दोनों डिप्टी सीएम भी नहीं मौजूद थे, ऐसा कुछ खास? वो माननीय मुख्यमंत्री से पूछ कर गए हैं दोनों। ये ऑफिस से काम करना चाहिए, जो हमारा प्रभार का जिला है वहाँ पर निरंतर जाना चाहिए, वहाँ प्रशासनिक व्यवस्था को और दुरुस्त करना चाहिए, ठीक से काम करना चाहिए। हार को लेकर कोई बात हुई, चर्चा हुई बीजेपी में, उस पर कोई बात नहीं। अलॉटमेंट हो चुका है विभागों को, उनको जो विकास के कार्य हैं उसमें तेजी से अलॉटमेंट कर दिया जाए पैसे को और उसकी समीक्षा करके जो जनमानस के काम है उनको तेजी से आगे बढ़ा दिया। भर्तियों करके बात हुई, कहा जाए कि सरकार बड़े पैमाने पर भर्तियां करे विभागों में, जो रिक्त पद खाली विभागों में भर्तियां होनी है। बहुत विभागों ने अपने अध्याचन दे दिए हैं, बहुत विभागों को देने हैं, तो उसकी भी माननीय मुख्यमंत्री जी निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू हो और जो भर्तियां पूरी होनी है विभागों में उन भर्तियों को पूरा किया। जिस तरह ये देश इस बात से आश्वस्त है कि मोदी हैं तो मुमकिन है, वैसे ही योगी आदित्यनाथ के साथ है कि योगी हैं तो यकीन है। साल 2017 में योगी आदित्यनाथ ने बहके हुए उत्तर प्रदेश की कमान संभाली थी और आते ही योगी छा गए थे। अपनी कुशल प्रशासक की छवि के कारण योगी ने उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को इतना मजबूत कर दिया कि बाहुबली, अपराधियों और माफियाओं के बोलबाले वाले इस प्रदेश का नक्शा ही बदल दिया। उनकी इसी छवि ने उन्हें देश भर में सबसे शानदार सीएम की ख्याति से नवाजा और साल 2019 के लोकसभा चुनाव में 80 में से 62 सीटों पर जीत दिलाकर योगी ने देश के प्रधानमंत्री मोदी का दिल जीत लिया। 2022 में एक बार फिर योगी ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली और योगी ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश की श्रेणी में ला खड़ा किया। योगी की इसी गारंटी के दम पर 2024 का चुनाव लड़ा गया। 80 सीटों वाले यूपी पर योगी के सुपर परफॉर्मेंस की वजह से हर किसी की नजर थी। एक तरफ मोदी और दूसरी तरफ योगी, यानी योगी और मोदी की जोड़ी वाली डबल इंजन की सरकार विरोधियों को डराने लगी थी। चुनाव के प्रचार में भी मोदी योगी की इस जोड़ी ने विरोधियों के पसीने छुड़वा दिए थे। मेरठ से लेकर मिर्जापुर तक मोदी और योगी ने तकरीबन 21 इवेंट साथ साथ किए। 31 मार्च को मेरठ में, 6 अप्रैल को सहारनपुर में, 9 अप्रैल को पीलीभीत, 19 अप्रैल को अमरोहा, 22 अप्रैल को अलीगढ़, 25 अप्रैल को आगरा, 5 मई को इटावा, 16 मई को लालगंज, 17 मई को बाराबंकी, 21 मई को वाराणसी, 22 मई को बस्ती, 25 मई को गाजीपुर और 26 मई को मिर्जापुर में। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने यूपी में मोदी के साथ 5 बड़े रोड शो किए। गाजियाबाद, बरेली, कानपुर, अयोध्या और वाराणसी में दोनों ने एक साथ रोड शो किया। साथ ही वाराणसी में जब काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन हो रहा था तो उस दौरान भी योगी और मोदी की जोड़ी साथ में थी। साथ ही नॉमिनेशन के दौरान भी दोनों एक साथ दिखे। इन बातों का जिक्र इसीलिए क्योंकि मोदी योगी की इस जोड़ी से खौफ खाए लोग इसको तोड़ने की जिस जुगत में थे वो उनके लिए यूपी से आए खराब नतीजों के बाद भी संभव नहीं दिख रहा। दिल्ली में
एनडीए सरकार की जीत के बाद जब मोदी से योगी मिलने आए तो उन तस्वीरों ने विरोधियों को और चौंका दिया। देखिए इन तस्वीरों को, जब योगी आदित्यनाथ फूलों का गुलदस्ता लेकर देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे तो मोदी ने योगी का किस तरह से अभिवादन स्वीकार किया। नरेंद्र मोदी ने मुस्कुराते हुए योगी के कंधे पर दो बार जोर जोर से थपकी दी। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। ट्रेंड इसीलिए कर रही है क्योंकि मोदी और योगी के इस गर्मजोशी वाली मुलाकात के मायने हैं। मायने ये कि जो लोग ये मानते हैं कि मोदी योगी से यूपी में खुश नहीं है, वो ये जान लें कि मोदी योगी को नंबरों से नहीं नापते। योगी एक मजबूत ब्रांड है। मोदी अगर योगी को कल मानते थे तो आज भी उतना ही पसंद करते हैं। इस चुनाव के दौरान मोदी ने जितनी भी रैलियां की उस दौरान उन्होंने दिल से योगी की तारीफ की। यूपी के माहौल में जो बदलाव योगी ने लाया था उसे मोदी ने खुले मंच से यूपी की जनता से कहा। हमारे योगी जी तो अच्छे अच्छों की गर्मी उतारने में एक्सपर्ट है। जब से योगी जी आए हैं माहौल ही बदल गया। मेरा जो स्वच्छता अभियान है ना, उसको बड़ी बहादुरी से आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर योगी जी की सरकार में दंगे भी बंद है और दंगाई भी बंद है। ये बड़ी बात है किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के लिए जो उनके देश का प्रधानमंत्री इतने शब्दों से उन्हें नवाज रहा है। सिर्फ शब्दों से ही नहीं, वो तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई जब पीलीभीत के मंच पर मोदी के सम्मान में योगी उनके सामने से गुजरने से परहेज कर रहे थे। तब मोदी ने योगी के लिए जो बॉन्डिंग दिखाई वो भी इस जोड़ी का विरोध करने वालों के लिए एक संदेश था। इसके अलावा जब मोदी ने भीड़ में खड़े उन दो लोगों की तारीफ की थी जो मोदी और योगी के गेटअप में मोदी को सुनने आए थे। दोनों मोदी योगी बन के आ गए, ठीक है, सब अखबार वालों की नजर मेरे से हट गई, आप पर आ गई। मोदी और योगी की ये जोड़ी फेविकॉल की तरह पक्की है, ये मोदी ने साफ कर दिया था। लेकिन इन दोनों के बीच दरारों के नैरेटिव को विरोधियों ने खूब हवा दी थी। शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे की जो राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे ये लोग। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे ये लोग। उसके बाद एक बार केजरीवाल ने यूपी में अखिलेश के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहां भी केजरीवाल की तर्ज पर अखिलेश ने इस नैरेटिव को हवा दी। भाजपाई किसी के सगे नहीं है। क्या बोलेंगे स्वाति मालीवाल के बारे में, क्या बोलेंगे आप? ये है कि भाजपाई किसी के सगे नहीं है। लेकिन योगी ने करारा जवाब देकर विपक्ष के नैरेटिव की हवा निकाल दी। मेरे लिए नेशन फर्स्ट है, देश के लिए, सनातन हिंदू धर्म के लिए। एक बार नहीं 100 बार, एक जन्म नहीं 100 जन्म में हम सत्ता को ठुकरा सकते हैं, लेकिन देश और सनातन धर्म के लिए अपना सर्वस्व निछावर करेंगे। आखिर क्यों खटकते हैं योगी, इसे समझिए। योगी की छवि एक निडर प्रशासक के तौर पर है, जनता के हित में फैसले लेने में सबसे आगे हैं योगी। मोदी के बाद योगी की सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग है। देश में सनातन का सबसे मजबूत चेहरा है योगी। ये वो वजह हैं जो योगी से विरोधियों को डराती हैं। लोकसभा का चुनाव हो चुका है, नतीजे पक्ष में न आने से विरोधी उत्तर प्रदेश में उम्मीद पाल रहे हैं, लेकिन योगी दुगनी ताकत से जुट गए हैं। 2027 का विधानसभा चुनाव सामने है और योगी का अगला मिशन विरोधियों से 2 बदले लेने का है, लोकसभा में सीटों की हार का और विधानसभा में विरोधियों को क्लीन स्वीप देने का। इधर मोदी भी इस मिशन में योगी के साथ होंगे, क्योंकि यूपी में जिन वजहों से योगी को ये दिन देखना पड़ा वो वजहें समूल नष्ट होंगी। मोदी योगी की ये बॉन्डिंग एक बार फिर यूपी को नए सिरे से बुनेगी।
ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।